नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी फीमेल डॉग पस गिरा रही है, मवाद गिरा रही है पेशाब के रास्ते, अगर वो मवाद गिरा रही है, पस गिरा रही है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई यूटराइन इन्फेक्शन हुआ है, यानी उसके यूट्रस में या सर्विक्स में या वेजाइना में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसा कचरा गिरा रही है। तो अगर फीमेल डॉग ऐसा कर रही है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तीन दवाएं, दो एलोपैथिक और एक देसी, मैं आपको जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं उस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। करना क्या है? नंबर वन जो आपको काम करना है वो करना है, एक सिरप आती है जिसका नाम है जिपविट। तो जिपविट जो सिरप आती है, इस सिरप को आपको लेना है, और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल डॉग है, अगर स्मॉल ब्रिड है तो आपको देना है इसे 4 ml ओडी दिन में एक बार, अगर स्मॉल ब्रिड है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्मॉल ब्रिड, और अगर लार्ज ब्रिड है तो आपको 8 ml ओडी इसे देना रहेगा। जिपविट को थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 4 ml स्मॉल ब्रिड को और 8 ml लार्ज ब्रिड को आपको ये जिपविट सिरप देनी है। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ देनी है उस चीज़ का नाम है हल्दी। बीच में मैंने जो लिखा है वो है हल्दी। हल्दी आप 2 या 3 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 2 या 3 ग्राम आप हल्दी दीजिए, 2 या 3 ग्राम ओडी यानी दिन में एक बार आप हल्दी भी उसमें मिलाइए, फिर देखिएगा कमाल। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका नाम है एम्टूटॉन। क्या है भाई? तीसरी चीज़ है सिरप एम्टूटॉन। तो एम्टूटॉन जो सिरप है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही डोज, इसी डोज में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यानी लार्ज ब्रिड में 8 ml पर डे और स्मॉल ब्रिड में 4 ml पर डे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप 10 या 15 दिन दे देंगे तब आप देखेंगे कि आपकी फीमेल डॉग एकदम से ठीक हो गई है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उसे नहीं रहा है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो जल्द से जल्द नज़दीकी पशु चिकित्सक से जाँच करवाएँ और इलाज करवाएँ।